जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ नॉन्स और टारगेट के बारे में, और साथ ही साथ आज का ये जो आपका टॉपिक है कि ब्लॉकचेन में माइनिंग कैसे की जाती है, अभी आज ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे चलिए हम ब्लॉकचेन की जो माइनिंग है उसको डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको कतई नहीं समझ आएगा यदि आप पिछले जो एपिसोड है उनको देख कर नहीं आए होंगे। खास करके उसमें एक जो मैंने ब्लॉकचेन माइनिंग का आपको शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ब्लॉकचेन माइनिंग का सिर्फ आपको शॉर्टकट बताया, मैं बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, पूरा टेक्निकल में जाकर के बताऊंगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन की माइनिंग होती कैसे है। ब्लॉकचेन माइनिंग वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है वो सभी कंप्यूटर के पास जाती है, जो सबसे पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। आई बटन में ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, उसमें आपको लिखा होगा, उसमें माइनिंग वाले वीडियो को देख कर आइए। पहला एपिसोड जो पिछले हैं, मैं तो कहता हूँ सारे एपिसोड देख कर आइए, तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप ब्लॉकचेन माइनिंग वाला वीडियो जो देखोगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो आती है वो सारे कंप्यूटर वहाँ पे फेस करते हैं, जो पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उसे ब्लॉक वो मिल जाता है, उसके बाद फिर अदर जो वैलिडेटर्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि इसी ने ब्लॉक सही माइन किया या फिर कहीं से भी उठाकर माइन कर दिया। तो फिर माइन करने के बाद वो ब्लॉकचेन में ब्लॉक जुड़ जाता है, इतना आपको याद आ गया होगा। आप यहाँ पे बात करते हैं कि ब्लॉक आखिर काम कैसे करता है और कि इसमें होता क्या है, टारगेट कैसे सेट किए जाते हैं और नॉन्स क्या होता है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए चलिए सबसे पहले यहाँ पे नॉन्स को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक नॉन्स होता है, नॉन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्लॉक है, इस ब्लॉक में क्या क्या होता है, एक ब्लॉक नंबर होता है, ये जो आप देख रहे होंगे एक्स एक्स बना हुआ, उसका नंबर नॉन्स है। चलिए मैं, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए नॉन, ये एक ब्लॉक देखिए कैसे मिलकर के बना होता है। एक ब्लॉक में ब्लॉक नंबर होता है, नॉन्स होता है, डेटा होता है। अभी आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, देखते रहिए वीडियो को पूरा, आपके सब समझ आ जाएगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे नॉन्स होता है, डेटा होता है, प्रीवियस एस होता है, हैश होता है, ब्लॉक नंबर कोई भी एक नंबर होगा ब्लॉक का। नॉन्स क्या होता है, नॉन्स को आप ये समझ लीजिए कि किसी भी कंप्यूटर में जो नॉन्स होता है उसको, ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम यही चीज़ होती है कि यहाँ पे एक जो हैश होता है, जैसे यहाँ पे जो एक हैश है, एक पर्टिकुलर हैश, जैसे हर किसी ब्लॉक का ये हैश को प्राप्त करने का कोशिश किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इसमें जो नीचे वाला हैश देख रहे हो इसको टारगेट कहते हैं, ठीक है ना। ये जो नीचे वाला, ये प्रीवियस हैश से मैं मतलब नहीं है, देखिए एक जो पर्टिकुलर मान लीजिए ब्लॉक है, इसका देखिए ब्लॉक ब्लॉक नंबर इस ब्लॉक का निश्चित है, डेटा इस ब्लॉक का निश्चित है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, और प्रीवियस हैश यानी कि इससे पहले वाला जो ब्लॉक होगा उसका हैश निश्चित है, यानी कि प्रीवियस हैश निश्चित है। लेकिन इस ब्लॉक का जो हैश है वो किससे निकलता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया कि ये वाला जो ब्लॉक का हैश है वो किससे बनेगा, SHA-256 एल्गोरिथम से ये हैश डिसाइड होता है, और इसी को हम टारगेट कहते हैं। और ये टारगेट कैसे बनेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हैश है, इस हैश को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा नॉन्स चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे नॉन्स डाल डाल कर देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम 5 नॉन्स डालेंगे, मतलब एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर सॉल्व करता है। तो नॉन्स उसमें बदल बदल के जो सबसे पहले, मतलब जितनी जल्दी फास्ट कंप्यूटर करेगा, जितनी जल्दी कंप्यूटेशन पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो नॉन्स जल्दी जल्दी डाल डाल कर देखेगा, वो डालेगा एक एक पर हैश वो नहीं मिल रहा है, फिर वो क्या करेगा दो डालेगा हैश नहीं मिल रहा, तीन डालेगा, इसी तरह से जब तक गणना चलती रहेगी नॉन्स बदल बदल के डालेगा, कंप्यूटर बदल बदल के डालेगा, जब तक कि ये हैश जो नीचे वाला है वो SHA-256 जो एल्गोरिथम से जो हैश निकला है वो हैश हमें उस नॉन्स से प्राप्त ना हो जाए, तब तक ये कंप्यूटर जो है गणना ऐसे ही करता रहेगा, और जब तक कि यह हैश जो नीचे वाला हैश मैं बता रहा हूँ वो जब तक प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए ब्लॉक नंबर और डेटा और प्रीवियस हैश से एक एल्गोरिथम चलेगा SHA-256 से, जिससे ये हैश मिलेगा, और इस हैश को ही हमें प्राप्त करना है। वो हैश कैसे मिलेगा, कंप्यूटर में एक गणना चलेगी जिसमें नॉन्स में बार बार चेंज किए जाएंगे, नॉन्स में जो सबसे पहले डाल मतलब डाल डाल कर देखेगा जिसकी कंप्यूटेशन पावर ज्यादा होगी वो जल्दी निकल लेगा, तो बार बार कोई 5 डालेगा, कोई 6 डालेगा, कोई 7 डालेगा, ऐसे ही पूरी गणना चलेगी, और जहां पर मैच कर गया, तो मान लीजिए कि एक नॉन्स था जो मैच कर गया, जैसे मान लीजिए एक नॉन्स उसने डाला एक, और जैसे उसने एक डाला उसकी हैश SHA-256 से जो एल्गोरिथम से निकलने के बाद जो हैश मिली थी इस ब्लॉक की वो उसकी मैच कर गई, कि नॉन्स एक हमने जब डिजिट डाला, ये अंक डाला, तो ये हैश उसकी वैल्यू के बराबर आ गई। तो यानी कि ये जो सबसे पहले जो कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, यानी कि जो सबसे पहले डाल डालकर यहाँ पे प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर लेगा, हैश उसको मिल जाएगा, उसी को ब्लॉक दे दिया जाता है, फाइनली वो उसको माइन करता है, माइन करने के बाद फिर वो वेरीफाई करता है। और जैसा कि आपने माइनिंग वाले वीडियो में देखा ही होगा, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती थी वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम बस उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं की, आज मैं उसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नॉन्स जो होता है, मान लीजिए मैंने एक नॉन्स डाला और ये हैश मान लीजिए यहाँ पे मैच कर गया, तो यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे
तो यहाँ पे हमने नॉन्स को समझने का ट्राई किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉन्स जरूरी नहीं होता बहुत जल्दी मैच कर जाए, तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया कि यहाँ पे एक मैंने डाल दिया और हैश मैच कर गया। और जो ये हैश है, इस हैश वैल्यू के नीचे रहना चाहिए, ये जो हैश है इसके नीचे रहना चाहिए, इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी मैं आपको आपको बताऊंगा। और इसी जो ये हैश है इसी को हम टारगेट कहते हैं। ये टारगेट दरअसल डिसाइड कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉन्स तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि ये नॉन्स को मैं हम वैल्यू बार बार बदल बदल के डालेंगे, ये कंप्यूटर डालता है। तो वैल्यू जो इतने जो सबसे पहले फास्ट वर्ड डाल डाल के देखेगा उसी का हैश पहले मैच कर जाएगा, मतलब वही सबसे पहले पहुंच पाएगा उस हैश तक, टारगेट तक। तो अब यहाँ पे हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने जो यहाँ पे देखा कि ब्लॉकचेन माइनिंग में सबसे पहले नॉन्स मैंने क्लियर कर लिया, अब चलिए उसको हम प्रैक्टिकल लाइव करके देख लेते हैं इसकी। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये एक वेबसाइट है demoblockchain.org नाम से एक वेबसाइट है, इस पे आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इसमें देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे डेटा एंटर किया, मान लीजिए मैंने ट्रस्टेड इंडियन ने किसी को पैसे भेजे, मान लीजिए ट्रस्टेड इंडियन, मैं आपको बता दूं ये हमारा यूट्यूब चैनल है क्रिप्टो वाला के बाद जो इस चैनल बनाया है, ट्रस्टेड वाला ने मान लीजिए 500 क्वाइन किसी को भेजे, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये जो ब्लॉक है ये अभी माइंड नहीं है, ठीक है ना, ये रेड अभी दिखा रहा है यानी कि ये अभी माइंड नहीं है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे इसकी नॉन्स पे फोकस कीजिए, इसकी नॉन्स जो अभी है वो 75698 है। और जब डाटा देखिए यहाँ पे ब्लॉक में मैंने बदल दिया है, ट्रस्टेड इंडियन 500 कर दिया है, तो ये ब्लॉक अब अनमाइन हो गया, यानी कि अभी ये ब्लॉक माइंड नहीं है। तो इसको माइंड हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए 75698 से इसकी जो नॉन्स होगी वो डेटा चेंज करने पर नॉन्स भी यहाँ पे बदल जाएगी, देख लीजिएगा। अभी जब ये माइंड होगा तो देखिए माइनिंग चल रही है और ये ब्लॉक अभी आपके सामने माइंड होगा। और देखिए यहाँ पर चूंकि मैंने इसमें डेटा में चेंज किया है तो इसकी जो नॉन्स है 75698 पहले थी और अब ये जो नॉन्स होगी वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और देख लीजिए आपके सामने 75698 से अब यहाँ पे 131773 यानी कि नॉन्स चेंज हो गई। अब समझ लीजिए कि कोई कंप्यूटर जब होगा किसी ब्लॉक को माइन करता होगा, एक से स्टार्ट करता होगा और वो कितनी दूर उसको जाना पड़ता होगा, इसी को कहते हैं मैथमेटिकल सॉल्व। जो सबसे पहले इस नॉन्स को पता कर लेता है यानी कि इस ट्रांजेक्शन में डेटा कोई पहले ही ट्रांजेक्शन का बता होगा, उसके बाद फिर ये नॉन्स पता करनी पड़ती है कंप्यूटर ऑटोमेटिक। जो सबसे पहले इस नॉन्स को पता कर लेता है, इस हैश वैल्यू से मैच कर जाता है, उसी ब्लॉक उसको वो ब्लॉक दे दिया जाता है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर ली जाती है, उसे मान लिया जाता है और उसी को ब्लॉक दे दिया जाता है। फाइनली वो उसको माइंड करता है, वैलिडेटर्स के बाद भेज दिया जाता है और वो फिर ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है। ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में सब बताया हुआ, उसको देख कर आइए वरना आपके समझ में नहीं आएगा। तो इतना यहाँ पे आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि टारगेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उतनी देर से, तो टारगेट आखिर है क्या। तो फिर नॉन्स की हमने बात की, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट और कुछ नहीं, वही मैंने आपको, चलिए सबसे पहले तो नॉन्स की हम यहाँ पे आपको चर्चा कर लेते हैं डिटेल में कि नॉन्स आखिर, मैंने आपको टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे कुछ दे दिया है। तो द नॉन्स इज द नंबर दैट ब्लॉकचेन माइनर्स आर सॉल्विंग फॉर, मतलब जो नॉन्स है वो एक ऐसा नंबर है जिसके लिए ब्लॉकचेन माइनर है उसको सॉल्व करता है और फिर उसको टारगेट या हैश से मैच कराता है, मतलब ऐसा एक नंबर भरता है जिसको टारगेट या हैश से मैच कर जाए या फिर उसके नीचे तक आ जाए, मतलब टारगेट से नीचे आ जाए कोई बात नहीं लेकिन ऊपर ना जाए, इतना है। तो यही होता है नॉन्स, अभी मैंने आपको बताया करके प्रैक्टिकल के साथ। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि टारगेट क्या होता है। टारगेट इज अ नंबर यूज इन माइनिंग, माइनिंग में यूज होने वाला एक टारगेट एक नंबर, अभी आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा। इट इज अ नंबर दैट अ ब्लॉक हैज मस्ट बी बिलो फॉर द टू बी एडेड, ये जो टारगेट है यानी कि कोई भी नॉन्स की वैल्यू आप दे रहे हो उससे जो हैश बनेगा वो हैश जो आपका टारगेट था उसके नीचे होना चाहिए ना कि उसके ऊपर जाना चाहिए, भी आपको समझ आएगा। तो वही चीज दूसरे वाक्य में लिखी हुई है यानी सेंटेंस में लिखी हुई, तीसरे सेंटेंस में ये लिखा है कि ये जो टारगेट है, ये जो एल्गोरिथम है जो किसी भी ब्लॉकचेन बिटकॉइन का ले लीजिए, तो किसी का एल्गोरिथम लीजिए उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। बिटकॉइन बिटकॉइन के केस में दे लें तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद एवरेज के तौर पर देखा जाए तो हर 2 हफ्ते के बाद ये जो ब्लॉक होता है, ये जो हैश का जो टारगेट चेंज होने का टाइम है ये बदलता रहता है। और इसको इसलिए मेंटेन रखा जाता है ताकि ये 10 मिनट में ही एक ब्लॉक को माइंड करे। जैसा कि मैंने आपको पहले के एपिसोड में बताया कि फुटबॉल की फील्ड मान लीजिए जितना ही मतलब लोग वहां पे ज्यादा अपनी कंप्यूटेशन पावर लाएंगे उसको 10 मिनट ही तो लगाने, इसलिए उसको और कठिन जगह छुपाया जाता है ताकि कंप्यूटर को ज्यादा समय लगे और 10 मिनट ही लगे, इतनी कठिन जगह छुपाया जाता है। तो इसको हम बिटकॉइन की डिफिकल्टी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। खैर चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़े हैं इस टॉपिक में, उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर्स में थोड़ा ही से बस फर्क है। यहाँ पे देखिए बाकी तो सारा कुछ सेम होता है, डेसिमल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9 तक। तो यहाँ पे देखिए इनके जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो सेम बनते हैं लेकिन 10 से कहानी दूसरी बन जाती है। 10 पर ए आता है, 11 का बी आता है, 12 का सी आता है, 13 को डी कहते हैं, 14 को ई कहते हैं, 15 को हेक्साडेसिमल नंबर में एफ कहते हैं। यानी कि इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, जीरो।
जिसका हेक्साडेसिमल नंबर भी जीरो होता है। नाइन तक हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर सेम होते हैं, बस टेन से क्या होता है एबीसीडी शुरू जाती है और ये एफ तक जाता है, यानी कि फिफ्टीन तक एफ तक जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। तो यहाँ पे छोटा सबसे, अगर हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर में बात करूँ तो वो जीरो है, और सबसे बड़ा बात करूँ तो वो डेसिमल नंबर सबसे बड़ा यदि मैं बात करूँ तो 15 है, और हेक्साडेसिमल सबसे बड़ा की बात करूँ तो वो एफ है। अब इसे का यूज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा माइनिंग वाले वीडियो में मैंने आपको एक 64 बिट का एक मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया था माइनिंग वाले वीडियो में, इसलिए कह रहा हूँ पिछले सारे एपिसोड देख कर आइए वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर आपको 64 इंटू 4 बिट्स 256 बिट्स का मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया था जिसको आपको कई लोगों ने नहीं समझ पाया होगा, चलिए मैं आज बता देता हूँ। इसमें मैं देखे थे कि बहुत सारे डिजिट थे, तो यहाँ पे एफ भी है डी भी है, तो अब आप समझ गए होंगे कि डी का मतलब एफ का मतलब 15 है और कुछ नहीं है, यहाँ पे 3930 ये सब हेक्साडेसिमल नंबर में लिखे होते हैं, ठीक है। तो डी का मतलब ये है कि 13 है यानी कि 13 है, और स्मॉलेस्ट जीरो होता है, लार्जेस्ट एफ होता है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ब्लॉकचेन माइनिंग वर्क कैसे करती है। ये देखिए कोई ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में बहुत सारी हैश होती हैं, उसमें नॉन सी होता है, और ये हैश को नॉन सी हैश को हम जो है टारगेट कहते हैं। आप यहाँ पे समझिए ब्लॉक है पूरा, इसमें छोटा से लेकर के बड़ा तक की सारी हैश इस ब्लॉक में भरी हुई है, और उसमें से कोई एक टारगेट है। सबसे छोटे से बात करते हैं तो जीरो से लेकर के एफ तक इस ब्लॉक में हैश वैल्यू भरी हुई है जिसमें कोई एक टारगेट है। अब वो टारगेट हमें नहीं पता कि क्या है, अब वो टारगेट वो एल्गोरिथम के हिसाब से तय होता है, एल्गोरिथम ही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो टारगेट हमारा है वो है 0000 यानी कि 4000 जो है इससे स्टार्ट हो रहा है हमारा टारगेट, और हमें वो हैश को लाना है जिसका टारगेट जो है 00 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो 00 चार बार है ये जो हैश है आप देखिए सामने ये हमारा टारगेट है, और हमने क्या किया हमने नॉन्स यहाँ पे भरा 88 88 88 88 ये हमने 4 बार भर दिया, नॉन्स जो है हमने 48 हमने भरे, और हमने देखा कि इस नॉन्स पे क्या ये हैश मिल रहा है इस टारगेट के नीचे। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये टारगेट के नीचे भी यदि चला जाए तो कोई बात नहीं, हमारा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस टारगेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 48 भरे नॉन्स में, तो यहाँ पे जो टारगेट है हमारा वो हिट नहीं हुआ, और ये टारगेट जो हमारा टारगेट प्राप्त हुआ यानी कि जो हैश प्राप्त हुआ वो 0000 टारगेट से ऊपर प्राप्त हुआ, इसलिए हमें ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं कर पाए। इसी तरह से हम नॉन्स बार बार भरते रहते हैं और फिर जा करके जो सबसे पहले सही जो हैश भर देता है यानी कि नॉन्स जो भर देता है, जैसे यहाँ पे एक देखिए इसने सॉल्व कर दी इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, इसका कंप्यूटर बहुत फास्ट है, इसने क्या किया इसने 49 भर दिए, जरूरी नहीं यही हो, इसने 9 भरता गया 1 2 3 4 5 6 और फाइनली ये पहुंचा 9999। जैसे इसने 9999 भरा इसका जो हैश जो उससे मिला उसका हैश इस एरिया में आ गया, यानी ये टारगेट जो है उसके नीचे आ गया, और फाइनली इसका मैच कर गया हैश और इसने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा इसको फाइनली ये जो हैश इसको जो ये ब्लॉक है इसने चूंकि इस नोड्स को सबसे पहले उस नोड्स को पता किया जिस पे ये टारगेट यानी कि हैश हिट कर रहा था, और ये ब्लॉक अब इसी को दे दिया जाएगा, और ये ब्लॉक को अब ये माइन करेगा, माइन करने के बाद वैलिडेटर्स के पास भेजा जाएगा, और वैलिडेटर्स जब पता लगा लेंगे कि सही ब्लॉक है या नहीं है, क्योंकि बाद में माइन करने के बाद भी बस वैलिडेटर को वेरीफाई करने के लिए एल्गोरिथम चलता है ताकि डेटा जो है इनकरप्ट ना किया जाए, इसलिए वहाँ पे जो वैलिडेटर्स मैंने आपको माइनिंग वाले वीडियो बताया उसको देख लीजिएगा करके। तो यहाँ पे वैलिडेटर्स जैसे ही उसको वेरीफाई कर देते हैं फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं होती, वो बस एल्गोरिथम एक चलता है, बस चेक किया जाता है डाटा सही है नहीं, इनकरप्ट तो नहीं कर दिया कि तुम्हें हमने ब्लॉक दे दिया तुमने कोई दूसरा डाटा भर दिया जा करके, और जैसे ही वहाँ पे वैलिडेटर वेरीफाई कर देते हैं ब्लॉकचेन में वो ब्लॉक एड कर दिया जाता है, और फाइनली उसको जो रिवार्ड होता है वो दे दिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने इसने 9999 जो नॉन्स इसने भरी, और इसका हैश जो है वो टारगेट के अंडर हिट कर गया, और फाइनली इसको ब्लॉक दे दिया गया। ब्लॉक देने के बाद इसने इसको वेरीफाई माइनिंग किया, माइन करने के बाद अदर वैलिडेटर्स के पास भेजा, उसके पास अदर वैलिडेटर्स ने उस पर एल्गोरिथम चलाया कि डेटा सही है नहीं है, और जैसे ही उसको वेरीफाई किया फाइनली उसको जैसे ही उसको ब्लॉकचेन में ब्लॉक जाता है जैसे ही ब्लॉक ब्लॉकचेन में जुड़ेगा उसको रिवार्ड के तौर पर जो भी उसका रिवार्ड होगा वो इसका दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो ब्लॉकचेन की जो माइनिंग है वो वर्क करती है। आज मैंने आपको टेक्निकल में जाकर के डेप्थ में आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।